उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद ठाकुर द्वारा जनपद के भोजपुर थाना क्षेत्र में आज सुबह उस समय चीख पुकार मच गई जब एक स्कूली वैन कोहरे के चलते ओवरटेक करते समय ट्रक से जा भिड़ी। जी हां, जिसमें स्कूली वैन में सवार एक दर्जन से अधिक बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानंद में सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल लाया गया, जहां 5 को नाजुक हालत होने के चलते प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है, जहां 2 की हालत अभी भी सीरियस बताई गई है। वहीं सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। परिजनों के मुताबिक ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल प्रबंधन द्वारा प्राइवेट टाटा मैजिक मैन में बच्चों को ढोया जा रहा था, जिसमें क्षमता से अधिक बच्चे सवार थे। गनीमत यह रही कि इस दौरान किसी बच्चे की जान नहीं गई। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने बताया कि फिलहाल सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है और उपचार किया जा रहा है। वहीं स्कूल प्रबंधन पर उन्होंने कार्रवाई को लेकर कहा कि इस बारे में जांच की जा रही है। साथ ही सभी स्कूलों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि कोहरे में अपने वाहनों की गति व सुरक्षा के उपाय करें। सर, हम मेरी एकेडमी है ठाकुर द्वारे में, मैं बस लोकल बस से जा रहा था। बैठने के जाने के बाद ये वैन मेरे आगे थी, 300-400 मीटर थोड़ी आगे थी, और जैसे ही मेरी बस स्टॉप पे रुकी और रुकने के बाद जैसे वो चली तो मैंने देखा कि इस ट्रक से लगने के बाद में झपट और ये फौरन पेड़ से टकरा गई। अच्छा। जैसे बच्चों की चीख पुकार पड़ी वैसे ही हम बस में से सब लोग उतरे। उतरने के बाद में हमने वैन को पहले पीछे खींचा, खींचने के बाद फिर वो उसका लोहा थोड़ा मुलायम था तो वो लोहे को सबको खींच खाच के बच्चे निकाले हमने। कितने बच्चे थे वैन में? सर, वैन में करीब 25 बच्चे थे। 25 बच्चे थे जी। वैन कौन सी थी? सर, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की वैन थी, जिनका स्कूल है उन्हीं की वैन थी वो, लेकिन ड्राइवर लोकल था। कब हुई घटना? सर, 7:15 बजे। ठीक। कहाँ पर हुई? नहीं, जो वैन की हालत थी और 25 बच्चे आप बता रहे थे, वैन की क्षमता थी 25 बच्चे बैठाने की? सर, क्षमता तो उसकी नहीं थी जी, लेकिन उसमें बच्चे ज्यादा बैठा रहे थे। 25 मतलब क्षमता कम की थी? जी, कम की थी। ये सुबह एक स्कूल की जो वैन है टाटा मैजिक और एक ट्रक के बीच में अधिक कोहरे के कारण आपस में भिड़ंत हो गई थी। उसमें 7 बच्चे वहीं भोजपुर में वहाँ के हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए थे, जिनका फर्स्ट एड देखी वो वहाँ से तो अपने घर जा चुके हैं। बाकी यहाँ पे सिटी में कोठीवाल डेंटल हॉस्पिटल में 5 बच्चे आए थे, जिनमें से 3 बच्चों का फर्स्ट एड देखे वो भी अपने घर जा चुके हैं। फर्दर ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे रखा गया। जो ट्रक ड्राइवर था वो मौके पे ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसने दुर्घटना के बाद वहाँ पे बच्चों को निकालने में रुकी कर बटने की अभी हिरासत में। बाकी इसमें देखा जा रहा है, सबको प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है और इसकी लापरवाही है उसमें किया गया। सर, जो मौके पे लोग थे वो बता रहे वैन में जो क्षमता थी वो कम थी, बच्चे करीब 2 दर्जन से ज़्यादा थे, क्या इस चीज़ की भी जाँच की जाएगी? इसकी जाँच की जा रही है। साथ ही स्कूलों को भी निर्देश दिया जा रहा है कि अधिक कोहरे के कारण क्या उनको सुरक्षा व्यवस्था रखनी चाहिए, जितने भी उनके यातायात के माध्यम है पेरेंट्स तथा स्कूल को भी इसके बारे में जानना। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।